पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। सृष्टि आप बताइए पदार्थ की कौन कौन सी तीन अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। हाँ बिल्कुल ठीक बताया, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जल हमारा इन तीनों अवस्थाओं में मिलता है। आपने बर्फ देखा होगा पृथ्वी के बहुत से भागों में या पहाड़ी क्षेत्रों में, ये जल हमारा बर्फ के रूप में अर्थात ठोस के रूप में मिलता है, तथा वायुमंडल में यही जल वाष्प के रूप में मिलता है, और आप लोगों ने द्रव के रूप में तो सभी जानते हैं, जो जल आपको मिलता है आप लोग पीते हैं। ये जो हमें जल प्राप्त होता है ये कहाँ कहाँ से मिलता है ये बताइए आप जरा। नदियों से, तालाबों से, समुद्र से, बारिश से। हाँ जल के हमें नदियों से मिलेगा, तालाबों से मिलता है, बारिश से मिलता है, लेकिन ये जो जल हमें प्राप्त होता है ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। इसको शुद्ध करने के भी कई कई तरीके होते हैं। तो शुद्ध जल की पहचान बताइए क्या क्या होती है? वो शुद्ध जल स्वादहीन होता है और रंगहीन होता है। हाँ आप बताइए कुछ। गंधहीन होता है और पारदर्शी होता है। हाँ गंधहीन होता है, पारदर्शी। शुद्ध जल की पहचान होती है कि उसे रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी तथा स्वादहीन होना चाहिए। अब हम आज आपको बताते हैं, देखिए जल को शुद्ध करने के कई तरीके होते हैं। जल को हम छानते हैं, निथारते हैं, इसके अलावा हम आसवन विधि से भी जल को शुद्ध करते हैं। ये आसवन विधि क्या होती है? बहुत अच्छा सवाल है स्वस्ति तुम्हारा। आसवन विधि किसे कहते हैं? हम आपको पहले बताते हैं कि आसवन क्रिया होती क्या चीज है। ये आसवन क्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी द्रव को या जल को गर्म करके सबसे पहले उसको हम वाष्प में परिवर्तित करते हैं, और इस वाष्प को पुनः ठंडा करके हम फिर से द्रव में परिवर्तित कर लेते हैं। इसे हम आसवन क्रिया कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आसवन के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। आसवन के अंदर वाष्पीकरण होता है और संघनन होता है। इन दोनों क्रियाओं से मिलकर हमारा आसवन होता है। जल को हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर हमें ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्प को फिर से जब ठंडा करते हैं तो ये हमें जल में मिल जाता है, और इस प्रकार जो हमें जल प्राप्त होता है इसको हम आसुद जल कहते हैं। आज हम आपको आसवन उपकरण के द्वारा समझाते हैं कि कैसे हम आसवन की क्रिया करते हैं। देखिए आसवन क्रिया के अंदर आपका ये हमारा उपकरण है। इस उपकरण में ये हमारे स्टैंड लगे हुए हैं। इसमें ये क्लैंप है जो कसाव के लिए होता है। ये हमारा आसवन फ्लास्क होता है, इसको हम संघनित्र बोलते हैं। संघनित्र एक ऐसी उपकरण है जिसके अंदर ये दो पाइप लगे हुए होते हैं। इसमें हम रबड़ की ट्यूब लगा करके इसको नीचे वाले को नल से जोड़ देते हैं और ऊपर वाले को सिंक में डाल देते हैं, जिससे कि इसके अंदर लगातार पानी का प्रवाह चलता रहे और ये हमारा ठंडा बना रहे। ये एक ग्राही होता है, इसमें हम जो वाष्प आती है वो द्रवित होकर के इसके संघनित्र के अंदर से द्रवित होती है और इसमें एकत्रित हो जाती है। इसमें फ्लास्क के अंदर एक ये हमारा तापमापी या थर्मामीटर लगा हुआ होता है। इसको हम इसलिए लगाते हैं कि पानी का तो हमें मालूम है कि किस पर ये उबलता है, कितने टेम्परेचर पर उबलता है, लेकिन अगर हम इसमें कोई और द्रव डाल देते हैं उसके बाद हम उबालते हैं तो उसका भी ताप हम इससे नोट कर लेते हैं। अब इसी में अगर हम और इसके अंदर हम पानी भरते हैं, इसी में हम पानी के साथ थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, अर्थात इसको हम खारा पानी बना लेते हैं। खारा पानी बनाने के बाद जब हम नीचे स्प्रिट लैंप लगा करके इसको गर्म करते हैं तो पानी वाष्प बन जाता है। वाष्प आपका संघनित्र के अंदर से आता हुआ इसमें द्रवित हो जाता है। द्रवित होने के बाद ग्राही के अंदर एकत्रित हो जाता है। लेकिन ये जो नमकीन पानी से जो हमें नीचे पानी मिलता है जिसे हम आसुद जल कहते हैं, क्या ये हमारा नमकीन होता है? ये नमकीन नहीं होता है। इसलिए नमकीन नहीं होता क्योंकि जब हम यहाँ पर गर्म करते हैं तो पानी उबलता है, उबलने के बाद नमक हमारा इसी के अंदर रह जाता है क्योंकि वो वाष्पित नहीं होता है। केवल पानी वाष्पित होकर के संघनित्र के द्वारा यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। अब आपसे पूछते हैं कुछ, इसके जो अभी हमने बताया है इसमें कुछ आपसे प्रश्न पूछते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? आसवन में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, वाष्पीकरण और संघनन। हाँ
आप बताइए, जल को जब हम गर्म करते हैं तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में। वाष्प को ठंडा करने पर किसमें परिवर्तित हो जाता है? जल में। जल में। इस जल को हम क्या कहते हैं? आसुत जल। आसुत जल कहते हैं। आसवन के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जब हम जल को गर्म करते हैं तो ये सबसे पहले वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प को ठंडा करने पर ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम आसुत द्रव या जल अगर हम लेते हैं तो इसको हम आसुत जल कहते हैं। इस प्रकार आसवन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी भी द्रव को या जल को गर्म करके उसको सबसे पहले वाष्पीकरण कराते हैं और वाष्पीकरण कराने के बाद उसको हम पुनः संघनन के करा करके द्रव में